रुको रुको, तो ताला लगा है, कहां गए होंगे भाई? ये कार तो मेरे भाई की हो सकती है ना? कितना देर इंतजार करना होगा? लो लो, पकड़ो पकड़ो, ये चाहिए ना तुम्हें, लो। Thank you.
बोलिए। क्या आप रुचि हैं? हाँ मैं ही हूँ। आपका एक कुरियर आया है। मेरे लिए? नहीं तो क्या मैडम, दूसरे का सामान थोड़ी दूंगा। ठीक है दीजिए। यहाँ साइन कीजिए। इससे पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा मैडम। हाँ क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। मैंने भी आपको बचपन में ही देखा था। मजाक मत करो, दो। जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। कुरियर कहाँ गया? ये कुरियर वाला कहाँ चला गया? ये क्या बात है? कुरियर वाला सच में आया था या मैं सपना देख रही थी?
जाने दो।
पे कौन है? कौन है? हेलो। हाँ बोलो रॉकी। आराम से पहुँच गई ना? हाँ यार मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ। तुम्हारे भाई मिले क्या? कैसे हैं वो अभी? नहीं रॉकी, जब मैं घर पर आई तब भाई घर पर नहीं था। यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल मैं घर पर अकेली ही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। अच्छा तो तुम वहाँ पहुँची कैसे? हाँ ओहो, एक बहुत बड़ी कहानी है, जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके 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 रुचि, कल मैं बैंगलोर आ रहा हूँ, हम मिलते हैं तब बात करते हैं। कल बैंगलोर क्यों आ रहे हो? तुम्हारी जॉब की जॉइनिंग डेट तो आगे है ना? हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। उन्होंने ही मुझे बुलाया। ओके ऐसा है तो कल मिलते हैं। बाय, सी यू। Oh.
रुचि, हे क्या हुआ तुम्हें? रॉकी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। अच्छा जी, कौन है वो जो मेरे आने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड को तंग कर रहे? तुम्हारा सिर, मुझे लगता है यहाँ कोई भूत है। तो अब बाहर जाना है कि नहीं? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं जाना है? वैसे भी तुम्हारे साथ घूमे बहुत दिन हो गए हैं मुझे। अच्छा रुचि, ये कार किसकी है? ये कार मेरे भाई की है। ओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर वाले काफी मालदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारा बहुत पुराना घर है, मेरे दादा और दादी के टाइम से है। मेरा भाई जब भी मुझसे मिलने आता है तो हमेशा यही कहता है कि इस घर को हम नए तरीके से बनाएंगे, इसलिए तो मैंने यहाँ आने का फैसला लिया। अब हम उस पर काम करने वाले हैं। ओ, तो इसीलिए तुमने अपना घर बेंगलुरु से थोड़ा दूर पे बनवाया है? नहीं यार, मेरे घर की लोकेशन विधानसभा के पास ही तो है, पता नहीं क्या तुम्हें? ओ, मुझे नहीं पता था। वेलकम मैडम। वेलकम सर, बताइए आपको क्या चाहिए? 1,00,000 रुपए चाहिए। दोगे? क्या सर, कॉमेडी कर रहे हैं, बताइए ना सर क्या चाहिए। तो फिर 1 प्लेट इडली और 1 मसाला डोसा लेके आ जाओ। क्या सर, आप भी बताइए ना सर क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए होगा यार, लड़की शॉपिंग करने आई है, पर्स खाली करके जाएगी, बस इसी बात की टेंशन है मुझे। और क्या चाहिए होगा यार मुझे। क्या फूस कर रहे थे उस लड़के के साथ? जो सारी चीजें तुमने पसंद की हैं वही दिलाने की बात कर रहा था उससे। ओ अच्छा। hey, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम जाके ले लो, ठीक है, मैं यही हूँ। क्यों भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ है, एक नहीं दो दो। दो दो है? अरे बाप रे यार, तुम दोनों को मेंटेन कैसे कर रहे हो? मुझसे तो एक ही नहीं संभाली जाती है यार। क्या सर, आप कुछ भी बोल रहे हो, आजकल के लड़के एक क्या दो क्या, 3 दिन लड़कियां मेंटेन कर रहे हैं और आप एक ही के लिए ऐसा बोल रहे हो। वैसे बहुत सोच समझ कर मैंने यहाँ कपड़े की दुकान खोली है। वैसे उसका और इसका क्या लेना देना है? देखिए सर, आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने आए हैं, आपकी जेब में जितने पैसे हैं खाली हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, यही के कपड़े अपनी गर्लफ्रेंड को देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो कपड़े उन्हें पसंद नहीं आए तो? सिंपल है सर, मैं दोनों के ड्रेसेस को एक्सचेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक्सचेंज कर देते हो तो ठीक ही है, दोनों का साइज पता है क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हो सर, साइज तो पता ही होगा ना। रॉकी भाई, तुम तो बहुत खिलाड़ी हो यार। क्या बात कर रहे थे उस लड़के के साथ? कुछ नहीं, साइज की बात कर रहा था। क्या? अरे कुछ नहीं भाई। सर बिल कितना हुआ? 1,000 रुपए। अच्छा तो तुमने अपने भाई को मेरे बारे में बताया? नहीं रॉकी, मेरा भाई घर पर ही नहीं है, और वो कहाँ गए होंगे इसका कुछ भी पता नहीं है मुझे। मैं क्या करूँ और किससे जाकर पूछूं? चलो ठीक है, तुम्हें अपने भाई के दोस्तों के बारे में, उनके ऑफिस के बारे में कुछ तो पता होगा ना? इन सब के बारे में तुम्हारी उनसे कभी बातचीत हुई थी? नहीं रॉकी, मेरे भाई ने मुझसे इस बारे में कभी कुछ बात नहीं की है। अगर ऐसा है तो इतने बड़े शहर में तुम इन्हें कहाँ ढूंढोगी, किससे पूछोगी, कहाँ जाओगी? मैं घर जाकर फिर से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे मेरे घर में उनके बारे में सुराग जरूर मिलेगा। रुचि, रुचि, अरे क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खो गई अचानक से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हे रुचि, बताओ ना क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हुई हो तुम? ठीक है अब चलो। बताओ ना क्या हुआ और क्या है ये, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है रॉकी, मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास हमेशा कोई है, मुझे यही महसूस होता है रॉकी। क्या कहा, कौन हो सकता है, जो कुछ भी है तुम मुझे खुल के बताओ। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रॉकी तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे तो बता सकती हो क्या अजीब लग रहा है तुम्हें। ठीक है ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी पर टाइम आने पर, अब चलो। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके।
हेलो भारती, कैसी हो? हेलो रुचि, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ कहाँ हो और क्या कर रही हो? हाँ, मैं बैंगलोर में ही हूँ। एक हफ्ता हो गया मुझे यहाँ आए हुए। ओ अच्छा, बैंगलोर में कहाँ रहती हो? बैंगलोर में मैं अपने भाई के घर पे आई हूँ। कम से कम एक बार तो मिलने आओ। हाँ यार, आऊंगी। केवल आऊंगी कहने से भर के काम नहीं चलेगा, तुम्हें सच में यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो सोच लो। हाँ यार, मैं जरूर आऊंगी, तुम बस अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी टेक्स्ट मैसेज करती हूँ, भूलना मत, आना जरूर। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। अभी कौन हो सकता है? हाय। अरे भारती, मैंने तो तुम्हें अभी मैसेज किया था, तुम इतने जल्दी आ गई? ऐसा नहीं है, जब तुमने कॉल किया था तब मैं यहाँ पास में ही थी, इसलिए यहाँ पर जल्दी आ गई। मेरे आने से किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं। तो यार, फिर अंदर बुलाएगी या बाहर से ही भेज देगी मुझे? आ जाओ। आओ अंदर। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं यार। वैसे ये किसका घर है? यह हमारा ही घर है, इस घर में मेरा जन्म हुआ है, यही बचपन बीता है। मैं बस पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। मुझे कम से कम इस बात की तो बहुत खुशी है कि हमें एक ही शहर में जॉब मिला है। हाँ यार, मुझे भी इसी बात की खुशी है कि हमें एक ही शहर में जॉब मिली, बड़ी खुशी की बात है ना? फिर से हमें अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई है ना? वैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट कब से है? अभी 15 दिन और बाकी है। अभी 15 दिन और है, तब तक तुम यहाँ क्या करोगी? मुझे अपने भाई को ढूंढना है। अभी मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं, कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ए, हेलो, जाओ और फ्रेश होके आओ, बाद में खाना खाते हैं। कोई बात नहीं यार, जब मैं अगली बार आऊंगी तब हम जरूर खाना खाएंगे। ये सब मुझे नहीं सुनना है, तुम मेरे घर पर आई हो तो खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। चलो फ्रेश हो जाओ, चलो चलो जल्दी चलो। भारती जल्दी आना, तब तक मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। Thank you.
फिर से फोन क्यों लगा रही है? हेलो भारती, भारती तुम कहाँ पर हो? हाँ रुचि, मैं अपने घर पे हूँ। क्या तुम घर पर हो? हाँ सच में घर पे हूँ, क्यों क्या बात है? भारती प्लीज मजाक मत करो भारती। हाँ यार तुमने कॉल किया था ना, तब से मैं अपने घर पे ही हूँ। ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। अनन्या टीवी ऑफ कर दो, होमवर्क करो नहीं तो पापा चिल्लाएंगे। Thank you.
रॉकी, तुम यहाँ कब आए? मैं कल रात को ही आया हूँ। क्यों, कल रात को तुम कहीं बाहर गई थी क्या? मुझे पता नहीं रॉकी, मुझे लगता है मैंने पूरा सपना देखा। मुझे लगा तुम आए, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मुझे वहां एक औरत और एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। मैं डरकर घर से बाहर निकल गई और बाहर पेड़ के नीचे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। जाकर देखा तो वहां बैठकर मैं रो रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा क्या रुचि? मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और वो भी कोई औरत ही थी। इसलिए कल रात मैं यहां देखने के लिए आ गया था। दरवाजा खुला हुआ था, मैंने अंदर आके देखा तो तुम घर पे नहीं थी। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं बाहर गया तो देखा कि तुम वहां पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, वो भी एक औरत की तरह ही दिख रही थी। इसलिए मैं कल रात तुम्हें यहां देखने के लिए आई। घर का दरवाजा भी खुला था। ये सब कौन कर रहा होगा? तुम कह रही हो कि एक औरत है और एक बच्चा भी है, मैं ये नहीं मान सकता। इसके पीछे जरूर कोई दूसरी वजह है जिसका हमें पता लगाना होगा। तुम बस जरा संभल कर रहना। ओके, ठीक है। ओके रुचि, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं बाद में आऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। सर, इस फोटो में जो है, आपने कभी इन्हें देखा है क्या? नहीं देखा। गुरुजी से पूछ लो, शायद कुछ पता चल जाए। थैंक यू सर। Om Hem Klim Klim Chamundai Vichay Om Hem Klim
बुरी आत्मा छोड़ इसको, छोड़ के जा। जाओगी मेनका? नहीं। जाओगी? नहीं। जाओगी? ओ, जाओगी? चली जाओ, निकल जाओ। बट स्वाहा। आओ माता, आओ, आप इसे लेकर जा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना? हे भगवान। बोलो बेटा, क्या बात है? गुरुजी, इस लड़की को क्या हुआ है? उसके अंदर एक बुरी आत्मा का साया था, इसीलिए उसके अंदर से मैंने अभी उसे भगाया है। गुरुजी, आज के जमाने में भूत प्रेत होते हैं क्या? अगर है तो दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? वैसे क्या किसी के नजर में भी आ सकते हैं क्या गुरुजी? भूत प्रेत हैं या नहीं वो तो सामने आने पर ही अनुभव किया जा सकता है, ठीक है ना? वैसे आप कौन हो? आज तक आपको मैंने यहाँ कभी देखा नहीं। मेरा नाम रुचि है गुरुजी। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है। बचपन से ही मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में गई थी, लेकिन मेरा भाई इसी गांव में रहता था। लेकिन वो कहाँ है, कैसे हालत में, मुझे नहीं पता। ये देखिए गुरुजी, यही मेरा भाई है। अच्छा, ये इसको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, बहुत ही नेक इंसान है। इसकी शादी मैंने ही कराई थी। मेरे भाई ने सच में शादी की थी क्या गुरुजी? हाँ, मैंने ही इस मंदिर में उनकी शादी करवाई थी। वो सब तो ठीक है, उनको एक बेटी भी है। हाँ? ठीक है, लेकिन इसकी बेटी भी है क्या गुरुजी? पता नहीं बेटा, काफी दिनों से मंदिर भी नहीं आया है। ठीक है गुरुजी, मेरे भाई के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताइए गुरुजी। ठीक है बेटा, जरूर बताऊंगा। गुरुजी, आप यही रहते हैं क्या? इस मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, आप कभी भी आइए, मैं इसी मंदिर में ही रहता हूँ। ठीक है गुरुजी। दीजिए गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं बेटी, समय आने पर ही पता चलेगा। सब ऊपर वाले की मर्जी। रुचि, मैं हूँ, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों डर रही? रॉकी, इस घर में कोई तो है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथों को जोर से पकड़ा है। जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस घर में जरूर कोई भूत है रॉकी। क्या कहा, भूत है? तुम शहर में पली बड़ी हो और इस जमाने में तुम भूत प्रेत पे विश्वास करती हो, ये कैसे हो सकता है यार? रॉकी, मैं जब अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से बाहर गई थी तो दरवाजे पर ताला लगा कर गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो ताला खुला हुआ था। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सोचते सोचते तुम लॉक लगाना भूल गई होगी। नहीं यार, मैं जब वापस आई तब खिड़की पर कोई खड़ी थी, मुझे देखते ही वो अंदर चली गई,
मैं जब अंदर कौन है करते हुए गई, तब किसी ने मेरा जोर से हाथ पकड़ लिया था। ये सब करने वाला कोई भूत ही होगा ना। अरे यार, यहाँ कोई भूत उत नहीं है। रुक जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ आज मैं। नहीं, रहने दो प्लीज रॉकी। कौन है वह? बाहर आ जाओ, मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, नहीं तो पुलिस को बता दूंगा मैं। रुचि, क्यों रो रही हो तुम? मैंने वहां देखा, कोई भी नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। रुचि, रोना बंद करो प्लीज। देखो वहां कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है रुचि। नहीं, मैं उस बात के लिए नहीं रो रही। फिर किस लिए रो रही हो? हाँ, मेरा भाई मुझसे कोई भी बात छुपाया नहीं करता था। मैं और मेरा भाई भले एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन उसने कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाई। मेरा भाई मुझसे दो बार मिलने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कौन सी बात, मुझे भी तो बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई ने शादी कर ली, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझसे भी छुपाई। वैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझे बताता कि उसने शादी की, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होती ना। रुचि, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। भाभी मतलब माँ के समान होती है। सुना है, अगर मुझे उनका प्यार मिलता, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होती। मैंने अपना जीवन अनाथ की तरह बिताया। बचपन से ही मैं घर वालों के प्यार के लिए हमेशा तरसती रही हूँ। मेरी भाभी जहाँ कहीं भी होंगी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। मुझे एक माँ का प्यार क्या होता है, ये उसे मिलकर जानना है। इसीलिए अगर मेरी जान भी चली जाए, तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी। रॉकी, रुचि, तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी कुछ भी करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस रोना बंद कर दो और सोचो मत ज्यादा प्लीज। हेलो, हाँ, कब हुआ, कहां पर? ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ रॉकी, क्यों परेशान लग रहे हो? मेरे फ्रेंड के भाई का फोन था। क्यों, क्या हुआ? कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओह, कौन से हॉस्पिटल में? यही बगल वाले हॉस्पिटल में। चलो हम उनसे मिलकर आते हैं। हाँ चलो, हा? चलते हैं, चलो। हाँ। घर पे सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? कैसे हुआ ये सब? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। ये सब क्या है, अपना ध्यान रखो। और डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? हाँ भैया। क्या कहा? डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ठीक है। हाँ। रुचि, चलो मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं रॉकी, जब फ्रेंड इस कंडीशन में हो, तो फिर मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। अभी इनके साथ और कोई भी नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। रॉकी भैया, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बताओ ना, कैसा काम? ऐसा कोई खास नहीं है, मेरा बड़ा भाई शहर में नहीं है और यहाँ मेरे साथ छोटा भाई है, बस दो दिन के लिए आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं रख लूंगी। चलो आओ बेटा। दीदी, आपका घर यहाँ से काफी दूर है क्या? बस 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ठीक है दीदी, आपके घर में टीवी है क्या? हाँ हाँ है, लेकिन काफी पुराना है। तब तो वो ऑन भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, चलता है, लेकिन काफी पुराना है। हाँ वो तो कोई बात नहीं है, बस टीवी चलना चाहिए। तुम्हें टीवी में क्या देखना है, कार्टून? कार्टून तो छोटे बच्चे देखते हैं, मुझे तो देखना है HBO, ANH ऐसे चैनल्स। ओहो, तुम तो बहुत ही होशियार हो, लेकिन उसमें क्या दिखाते हैं ऐसा? अरे आप तो ये पूछिए कि ऐसा क्या नहीं दिखाते हैं। हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, फाइट सीन्स, कॉमेडी, मैं ये सब देखता हूँ, मुझे पसंद है। तुम्हारे अंदर हॉरर मूवी देखने की हिम्मत है? मैं तो नहीं देख सकती बाबा। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं तो प्रिया से पूछ लो। ये प्रिया कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है दीदी। नॉटी कहीं का, चल।
दीदी क्या ये आपका घर है? क्यों अच्छा नहीं लगा? एकदम सुपर है। बैठो, ये लो, तुम गेम खेलो, तब तक मैं जाकर खाना बनाती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्यों आए? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बस ऐसे ही आ गया था दीदी। ठीक है। आ बैठ जाओ। वाओ, एग राइस, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ठीक है ठीक है, मैं खिलाती हूँ। आ करो। और तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे बिरयानी, आइसक्रीम, चॉकलेट और साइकिल, स्कूल और झूला। ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो अब। पहले तुम ये खाना खा लो, उसके बाद बाकी का हम सब खा लेंगे, ठीक है? आ करो। मैंने तुम्हारे लिए अंदर बिस्तर लगा दिया है, कपड़े चेंज करके फ्रेश होके सो जाओ, ठीक है? सो जाओगे ना? हाँ। ओके, गुड नाइट। Thank you.
गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। कल रात अच्छी नींद आई ना? हाँ दीदी, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कल आप मेरे कमरे की तरफ आई थी क्या दीदी? क्यों नहीं तो? तो फिर सपना होगा। हाँ, तुम पहले जाओ, हाथ पैर धो लो और हम साथ में खाते हैं दीदी। दीदी खाना तैयार है कि नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रुको, कितना शोर मचा रहे हो, ला रही हूँ ना। जल्दी। तुम्हारा और कुछ चाहिए नहीं ना? मैं प्लेट रख के आती हूँ, ठीक है? मैं अपनी दीदी से मिलवाता हूँ, वो बहुत अच्छी है। मुझे भी पता है। तुमने दीदी से कभी बात की है? नहीं। क्यों नहीं की है? मेरी माँ डांटती है, पता है तुम्हें? अरे दीदी तो बहुत अच्छी है। ये तो बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन लेकिन क्या बताओ तो? लेकिन उनके भाई बहुत बुरे हैं। अश्विन चलो दूध पी लो। अरे ये कहाँ चली गई? वहाँ क्या कर रहे थे तुम? वहाँ मैं एक लड़की से बात कर रहा था। हम्म, लड़की के साथ? लेकिन वहाँ तो कोई लड़की नहीं। हाँ दीदी, जब आपने मुझे आवाज लगाई तो आपको देखने के बाद वापस मैंने देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। हम्म, कौन थे वो लड़की? तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था। मैंने तो आने के लिए कहा पर उसने मना किया। क्यों नहीं आई वो? उसे मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। उसे तो पहले से ही पता था कि दीदी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो कह रही थी कि आपके भाई बहुत बुरे हैं। क्या उसने मेरे भाई के बारे में बताया? ऐसा है तो उसे मेरे भाई के बारे में तो पता होगा। ठीक है चलो, वो लड़की कौन है बताओ, कहाँ है? वहाँ थी। कहाँ है? यही थी, पर आपने आवाज दी तो वो गायब हो गई। अरे यार, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। हे भगवान,
अगर वो मेरे भाई के बारे में जानती है तो वो लड़की कौन होगी? मैं उसे कहाँ ढूंढूं अब? वो कौन थी? क्या नाम था उसका? कहाँ है? उसे कहाँ जाकर ढूंढूं मैं? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो दीदी? अगली बार मिलेगी तो मैं से पूछ लूंगा। अश्विन, हाँ, अंदर आओ। ये तो वापस गायब हो गई। अश्विन, वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दीदी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो। अनन्या के साथ बात कर रहा था। अनन्या के साथ? कौन है ये अनन्या? दीदी, आप जिस लड़की को ढूंढ रही थी ना, वो वही लड़की है। वो कह रही थी कि ये घर उसी का है, और वो ये भी कह रही थी कि उसे इस घर से निकाला गया। ओह, अच्छा तो फिर उसने क्या बताया? अभी वो आपके बगल में ही है दीदी। हाँ? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ रुचि, इसने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? क्या हुआ रुचि, तुम्हें सता रही है क्या? नहीं तो। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग। दीदी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और अब मुझे यहीं पर रहने का मन कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गांव जाने के लिए बोल रहा है। छे, मुझे यहाँ 2 दिन तक और रहना चाहिए था, तो मैं, अनन्या और दीदी हम मिलकर खूब खेलते है ना दीदी। ये अनन्या कौन है? वो मेरी दोस्त है, यहीं तो खड़ी है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत शरारती हो गए हो तुम। चलो देर मत करो, बैग लेके आओ। अगली बार आऊंगा तो 1 हफ्ते तक रहूंगा। बाय अनन्या। बाय दीदी। बाय बाय। ये शरारती बच्चा अपनी दीदी को डरा रहा है। चलो चलो चलते हैं। अरे कुछ नहीं, ये तुम्हें डरा रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ, जा रहा हूँ। वो किससे बाय कर रहा था? वहां तो कोई भी नहीं है। हाँ? वो वहां पेड़ के पास भी गया था। चलो वही जाकर देखती हूँ। Thank you.
मेरा नाम आशा है। जब से मैं पैदा हुई तब से मैंने कभी सुख और चैन के दिन बिताए ही नहीं। केवल मैंने सिर्फ दूसरों की जिंदगी में खुशियां देखी और लोगों से उसके बारे में सुना। क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ, मैंने अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा। अनाथ होने की वजह से मैं जहाँ जाती हूँ ये दुनिया मुझे बुरी नज़र से ही देखती है। ऐसे समय में मेरी दुनिया में आशा के किरण बनकर आया आकाश। मैं बहुत खुश हुई, मेरी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली थी आकाश के रूप में। ऐसे ही मैं एक दिन अपने घर का काम खत्म करके आने ही वाली थी। उस वक्त अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी, तभी आकाश वहां आ पहुंचा। वो मुझे देखकर वहां आया था या फिर किसी और काम से आया, मुझे इसका पता नहीं है। वो मेरी और आकाश की पहली मुलाकात थी। ओके बाय, टेक केयर। क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? अब जाओ। हे, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? एक रुपया। हाँ, क्या मतलब? नहीं तो फिर क्या, मेरे हाथ से एक रुपया लिया और बात करके ऐसे चली आई, अब मैं क्या करूँ? हाँ अच्छा, तो इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो? और नहीं तो क्या, अपने मामा की लड़की की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा क्या? सुनो, केवल एक रुपए की ही बात है ना, कभी दोबारा मिलूंगी तो दे दूंगी। भरोसा कैसे करूं? तुम क्या करती हो नहीं पता, तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा एड्रेस नहीं पता, तुम पर भरोसा कैसे करूं? अरे सिर्फ एक रुपए की बात है। हाँ तो वो एक रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है, वही एक रुपया तुम्हारे पास कॉल करने के लिए नहीं था।
अरे बाप रे, ओ महाराज, केवल एक रुपए के लिए मैं अपनी पूरी जन्म कुंडली बताऊं क्या तुम्हें? ये लो 50 रुपए। हेलो, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे बस अपना 1 रुपया चाहिए। हेलो, तुम्हारा तो सिर्फ 1 ही रुपया था, जबकि मैंने तुम्हें बदले में 50 रुपए दिए हैं। ठीक है, अगर दोबारा मिली तो बाकी का तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं नहीं, अभी तुमसे मिलकर मेरा सर दर्द करने लगा है, इसलिए ना तो मुझे चेंज चाहिए और ना ही दोबारा कभी तुमसे मिलना है। मेरी आंखों के सामने दिखाई भी मत देना। ऐसा है तो ये आखिरी मुलाकात? ये पहली मुलाकात है, अब इसके बाद मेरा काम बस तुम्हारा पीछा करना ही रहेगा। फिर इसी तरह हमारी और आकाश की मुलाकात का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। मुझे उसकी बातें और उसका बचपना बहुत अच्छा लगने लगा था। वैसे बताऊं, मेरा नाम आकाश है, और तुम्हारा? मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारी किडनी थोड़ी मांगी है। क्या जी, अपना नाम बताने से सुंदर लड़कियों का चेहरा मुरझाता नहीं है। अरे सॉरी, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानी ना? चलो फिर एक पप्पी दे दो। अरे नहीं, देखो मैं बस मजाक कर रहा था, शांत रहो। चलो आशा। हाँ, मेरा नाम आशा है। वाह आशा, मेरा नाम आकाश है। आशा और आकाश, क्या मैचिंग है ना। सॉरी, ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो अब और मजाक नहीं करूंगा, वैसे मुझे तुम्हारा बचा हुआ पैसा देना है। जरूरत नहीं है, तुम अपने पास ही रखो। दिन बीतते जा रहे थे और एक टाइम से मुझे भी आकाश से मिलने की इच्छा होने लगी थी। एक दिन आकाश से अपने प्यार का इजहार करने के लिए हम दोनों जहां मिलते थे वहां मैं उसका इंतजार कर रही थी। तभी देख, चिड़िया खड़ी है यार। ए भाई, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, फोटो लेना इसकी। कौन हो तुम लोग? देना। क्यों शर्मा रही है, केवल एक ही फोटो तो मांग रहे हैं तुमसे। कौन हो तुम लोग? फोटो देने में नखरा क्यों कर रही है? तो तुम्हें मेरी फोटो लेने की क्या जरूरत है? फोन ले रहा हूं। फोन दीजिए पहले। पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? केवल एक फोटो ही लेना है बस। फोटो पहले तुम लोग बताओ तुम कौन हो? क्यों शर्मा रही हो, केवल एक फोटो तो मांग रहे हैं तुमसे। अरे मैडम, कौन हो तुम लोग? वहां मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे, अब यहां क्या कर रहे हो? अरे कौन है तू? कौन है भी? ये सब नाटक बंद करो। जितना तुम समझते हो ना, उतनी पागल लड़की नहीं हूँ मैं, समझे तुम? आशा, ये लो। चल रे भाई, तुझे बाद में देख लूंगा, याद रखना। तुम ये क्या बोल रही हो आशा? मैंने क्या किया? अभी तक मैं बहुत दुनिया देख क्या चुकी यार? तुम जो उन लड़कों के साथ बात कर रहे थे, क्या लगता है तुम्हें मैंने वो सब नहीं देखा था? दोबारा मुझे कभी नजर भी मत आना तुम, समझे? अभी तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। आशा, जैसे दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखती है, तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें उसी नजर से देखता हूँ? मैं क्या चीज हूँ, एक ना एक दिन पता चल जाएगा। आज मैं तुमसे कुछ दिल की बात कहने आया था, लेकिन तुमने मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। आशा, आशा, आकाश, कुछ नहीं होगा आकाश। अब कैसे हो आकाश? कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ आशा, तुम्हें घर जाना चाहिए। वो सब छोड़ो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम घर नहीं जाओगी तो तुमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं क्या? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। छोटी माँ और छोटे पापा बचपन में ही मुझे अनाथ आश्रम छोड़ गए थे, तब से मैं अकेली हूँ। ऐसा मत कहो आशा, तुम अकेली नहीं हो, आज के बाद से मुझे अपने साथ ही समझो। आशा, तुम हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करोगी ना? तुम्हारी कसम आकाश, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी। तुम सच कह रही हो ना? हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम कर लो।
नहीं नहीं रहने दो आशा। प्यार बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते वो दिन आ गया जब हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे बीच एक नया मेहमान आया अनन्या के रूप में। घर परिवार और प्यार के बीच कितने और साल गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। मेरी अनु के लिए एक सरप्राइज है। इसी तरह अपने स्कूल में भी सुपर डांस करना। अनन्या। अरे अनन्या, ये तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट, तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरी सोना, मेरी प्यारी, मेरी गुड़िया। खेलते हमारी जिंदगी में एक दिन सबसे बुरा वक्त आ गया जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा देखो ये मैंने बनाया है। बहुत अच्छा बनाया बेटा। आशा, आज तुम कहीं बाहर गई थी क्या? नहीं तो, मैं तो कहीं नहीं गई थी। क्यों, क्या हुआ? चलो आओ खाना खा लो। मम्मी पापा तो कब के ऑफिस चले गए? ओ अच्छा। ये इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? हाँ।
पापा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। आकाश, अरे ये क्या हुआ आकाश? तुम इस तरह क्यों पी रहे हो आकाश? बताओ प्लीज, क्या हुआ आकाश? प्लीज आकाश बताओ ना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यहाँ सब धोखेबाज हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आकाश, किसने तुम्हें धोखा दिया आकाश? क्यों भरोसा नहीं कर सकते बताओ ना आकाश, प्लीज बोलो आकाश। छोड़ो मुझे। प्लीज आकाश बताओ। मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? आकाश, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। आकाश प्लीज बताओ। बेटा तुम इससे पीछे रहो। मम्मी। अनन्या। 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 क्या हुआ तुम्हें? मेरी बच्ची को क्या? बेटा आंखें खोलो। अनन्या, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ये क्या किया तुमने? मेरी बेटी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला। अनन्या, आशा, आशा, अनन्या, उठो बेटा, उठो, अनन्या, अनन्या, उठ जाओ बेटा, आशा, 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 अनन्या, उठ जाओ बेटा, आगे खोलो, अनन्या, आशा, आशा, अनन्या, आशा, 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 आशा उठो, अनन्या को कुछ हो गया, आशा उठ जाना, अनन्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अनन्या, मेरा बच्चा, अनन्या, हाँ।
नहीं 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 नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। देखा ना तूने, तेरे भाई ने मुझे किस हाल में लाकर छोड़ दिया है। मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। तेरे साथ जो होगा उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। सबका हिसाब करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए यहाँ आने में देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना? नहीं रॉकी, तुम जब घर से गए थे तब कमरे में एक जगह बॉक्स गिरा था। उस बॉक्स में से कुछ फोटो निकली थी। क्या? ये क्या कह रही हो रुचि तुम? और इसमें डरने की क्या बात है रुचि? देखो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। देख रही हो तुम अपनी हालत? नहीं रॉकी, मैं सच कह रही हूँ। पता है, देखो उस बॉक्स में से, देखो उस तरह की फोटो मिली है और डायरी भी मिली। उस डायरी को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि भैया और भाभी का लव मैरिज हुआ था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भैया ने भाभी और बच्ची को दोनों को मार डाला। उसके बाद वो लोग भूत बन कर आए और भाई को भी मार डाला। हाँ, वो लोग हमारे पीछे लगे हैं रॉकी, मुझे डर लग रहा है अभी। रुचि, रुचि, तुम अपने भाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तभी तुम्हारी ये हालत हो गई है। मैं खुद जाके तुम्हारे घर चेक करता हूँ, तभी तुम्हें यकीन होगा। अरे तुम्हारे घर में कोई नहीं है, चलो मेरे साथ आ जाओ। नहीं रॉकी, प्लीज रॉकी। चलो तुम मेरे साथ, चलो रॉकी प्लीज। रॉकी, रॉकी प्लीज अंदर मत जाओ। रॉकी प्लीज मेरी बात सुनो। रॉकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। चलो मैं साबित करके रहूंगा, आज कोई नहीं है। चलो तुम, रॉकी प्लीज मत जाओ। रॉकी, अच्छा ठीक है, मत जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। रॉकी, कौन है यहाँ? कौन है? जो भी है सामने आए, क्यों डरा रहे हो इसे? कौन है? जो भी है सामने आए मेरे। कोई है क्या? रॉकी,
रॉकी। रुचि, अंदर कोई नहीं है, मैंने तुमसे कहा था। रुचि, अब रुचि, ये कौन है? बोला था ना, चलो जल्दी, चलो, चलो, जल्दी भाग यहाँ से, चलो। गाड़ी निकालो जल्दी। मैंने कहा था ना रॉकी, मेरे भाई को मारने वाली आत्मा ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी और मुझे भी। चलो चलो यहाँ से। रुचि बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, किसे जाके हम बोलेंगे? रॉकी नहीं, एक इंसान है जो हमारी बात पर यकीन करेगा, मुझे मुझे पूरा विश्वास है रॉकी, चलो हम उसके पास जाते हैं। किसे बताओगी रुचि तुम, आखिर कौन है वो जो हमारी बात मानेगा? हा? वो एक मंदिर का पुजारी है रॉकी। रॉकी जब मैं अपने भाई को ढूंढने गई थी मंदिर, तब भी मुझे इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी रॉकी, तब पुजारी जी ने मेरी सहायता की थी। मुझे लगता है हमारी समस्या का हल भी वही निकालेंगे रॉकी। चलो जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज रॉकी चलो जल्दी, स्टार्ट करो रॉकी, प्लीज जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी रॉकी, रॉकी स्टार्ट करो जल्दी, प्लीज रॉकी, रॉकी जल्दी करो। अरे स्टार्ट नहीं हो रही है। रॉकी जल्दी करो, रॉकी जल्दी करो, रॉकी रॉकी जल्दी करो, रॉकी खुल नहीं रहा था दरवाजा, रॉकी रॉकी रुचि आओ जल्दी चलो। रॉकी यहाँ तो ताला लगा हुआ है, रॉकी स्वामी जी का घर मंदिर के पीछे है, चलो चलो, चलो। गुरुजी बोलो बेटा क्या बात है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलो बोलो क्या बात है। अरे बोलो, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो, अरे बोलो तो सही। गुरुजी आपने जो कहा था वो सच हो गया है गुरुजी, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, ऐसे ही कहा था ना गुरुजी, वही चीज आज हमारे साथ हुई है, हमने उसे महसूस किया। क्या महसूस किया तुमने, क्या पता चला तुम्हें, जरा अच्छे से बताओ आखिर बात क्या है। गुरुजी मैं यहाँ एक बार अपने भाई के बारे में आपसे पूछने आई थी ना गुरुजी, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई भाभी और उनकी बेटी कोई भी जिंदा नहीं है, मेरी भाभी और उनकी बेटी को मारने वाले मेरे भाई है, उसके बाद दोनों ने आत्मा बनकर मेरे भाई को मार दिया और वो लोग अब मुझे हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी आप ही हम दोनों को इन सब मुसीबतों से बचा सकते हैं गुरुजी। गुरुजी इस जमाने में ये सारी चीजें होती हैं क्या, ये आत्मा वगैरह उसका बदला लेना, मुझे तो इस पे यकीन ही नहीं था, लेकिन आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा तो मेरी हालत खराब हो गई, ये सब कैसे हो सकता है गुरुजी? देखो इस दुनिया में सूर्य और चंद्र, धरती और आकाश, रात और दिन, सच और झूठ जिस तरीके से मौजूद हैं, वैसे ही भूत और भगवान भी होते हैं, ये भी सच है, लेकिन जो इसका अनुभव करता है वही ये सब जान पाता है। अब तुम पर बीती है तो तुम भी यकीन कर रहे हो, वैसे ही वैसे गुरुजी वो आत्माएं हम पर गुस्सा क्यों कर रही है, क्या आत्माएं गुस्सा करती है क्या? भगवान जब इंसान को धरती पर भेजता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ तय कर देता है, जैसे कि अगर कोई इंसान दूसरे के हाथों मारा जाता है या उसके साथ धोखा होता है या कोई आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वही आत्माएं भटकती हैं। हर आत्मा भूत या प्रेत नहीं बनती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं रह जाती हैं, ऐसे ही लोग भूत प्रेत बनकर भटकने लगते हैं। हे भगवान अब हम क्या कर सकते हैं, भूत से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या, नहीं तो वो दोनों मिलकर हमें मार देंगे, इसका कोई तो समाधान निकलेगा गुरुजी? आत्माएं किसी व्यक्ति का या वस्तु का दोनों का भी इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए उसकी पसंद की वस्तु है उसे जला सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो इंसान जैसे दूसरे को अपना भाई और बहन मानकर उससे प्यार करते हैं, वैसे ही आत्माएं भी अपने लोगों और चीजों से प्यार करती हैं। गुरुजी
आत्माएं अपने लोगों को और अपनी चीजों से प्यार करती है। मतलब गुरुजी, अगर हम उन चीजों को मिटा दे जो उन्हें बहुत पसंद है तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना गुरुजी? वो आत्मा जिन चीजों से प्यार करती है उन सारी चीजों को मिटाना होगा, वो भी उस जगह जहाँ वो मरे थे या फिर जहाँ उन्हें दफनाया गया था, वहाँ वहीं उन चीजों को जलाकर राख करना होगा। ठीक है गुरुजी, आपने जैसे बताया हम वैसा ही करेंगे गुरुजी, हमें बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तुम्हारा भला हो, जाओ, तुम्हें किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस परमात्मा से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। हम चलते हैं। तुम्हारा भला हो, जीते रहो बेटा। रुचि, मुझे लगता है कि हमें इस घर में नहीं जाना चाहिए। रुचि, मैं सच कह रहा हूँ, हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए। रुचि, तुमने देखा ना यहाँ क्या क्या हुआ था, ये जगह बहुत ही डेंजरस है, वापस लौट चलो। रुचि, मेरी बात मानो। नहीं रॉकी, मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे उन आत्माओं को शांति देनी होगी। प्लीज रॉकी, मुझे मत रोको। रुचि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आत्माएं कभी भी इंसानों की फीलिंग्स नहीं समझ पाती, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। और तुमने देखा नहीं क्या, और उन्हें यह पता चल गया कि हम उन्हें मिटाने आए हैं तो वो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। अंदर मत जाओ रुचि। नहीं रॉकी, जैसा गुरुजी ने कहा था कि वो आत्माएं जिन चीजों को पसंद करती है वो हमेशा उनके लिए भटकती रहेगी। वैसे देखा जाए तो मेरे भाई के लिए मेरे सिवाय और कोई नहीं था, और ना ही मेरे भाभी का कोई था, क्योंकि वो एक अनाथ थी। ऐसा है तो जरूर उनकी पसंद की चीज उस घर के अलावा और कहीं नहीं होगी। उस चीज को ढूंढने के बाद, उसे मिटाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उस चीज को ढूंढना इतना आसान नहीं है रुचि, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अंदर जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो रुचि, प्लीज रुचि। नहीं रॉकी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं वो चीज ढूंढ कर अपने भाई की आत्मा को शांति दिलाऊंगी। रुक जाओ रुचि, प्लीज, मैं तुम्हें अकेले इस घर के अंदर कभी भी नहीं भेज सकता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है तुमसे, समझ गई ना? चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे, मौत भी आएगी तो दोनों की साथ आएगी। चलो चलते हैं अब। Oh!
रुचि 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 सोचो कहां उन्हें दफनाया गया है। रोकी रोकी चलो रोकी रोकी चलाओ जल्दी रोकी जल्दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मैं फिर से आऊंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं।